Hello, welcome back to the channel. Okay, imagine a world where you can achieve everything. Okay, that's the imagination. Now start with the who I am. I am Darshan Jain, trainer, investor, mentor. Okay, और जैसे मैंने starting में कहा है कि imagine the world where you can do everything. ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा mindset और पैसा, मतलब जो भी money you have, capable of buying things which you love. तो वैसा कैसे कर सकते हैं? तो उसका एक तरीका है ट्रेडिंग. क्या इंट्राडे ट्रेडर्स आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे, तो लोग छा रहे. हाँ, तो वैसे ही लाइफ अगर आपको भी जीनी है तो उसके कुछ अमेजिंग टिप्स देने वाला हूँ. ओके, तो इमेजिन करता हूँ मेरे ये वीडियो वो देख रहे हैं जिनको ट्रेडिंग या इंट्राडे में इंटरेस्ट है. ओके, अगर आपको इंट्राडे में इंटरेस्ट नहीं है देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वो जाके देख सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं टिप्स पे वरना फिर. ओके, और टिप्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट पा सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ओके, पहली टिप, ऑलवेज सेट अ स्टॉप लॉस लेवल. ओ माय गॉड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास हमेशा स्टॉप लॉस आपको रखना ही चाहिए. अब कैसे सेट करते हैं? आप जब भी अपना ट्रेड डालेंगे तो उसमें वो आपको बोलेगा कि कौन से टाइप का चाहिए, एडवांस टाइप का ऑर्डर चाहिए कि नॉर्मल ऑर्डर. एडवांस टाइप में जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे होगा स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस में आपको ट्रिगर प्राइस लिखनी होगी कि मतलब जो प्राइस आपको सेट करनी है. अगर आप बाय कर रहे हैं और फिर बाद में सेल करने वाले तो आपका स्टॉप लॉस बाय से नीचे होना चाहिए प्रीवियस कैंडल का लो. अगर आप टेक्निकल एनालिसिस या आपका जो भी मेथड है, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आप जहां आपने सेल किया है उसके नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल के उसके ऊपर किए थे. ओके, आपको नहीं समझ आया तो ये आने वाले वीडियोस में मैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ आऊँगा, तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से पता चल जाएंगी. ओके, अब आते हैं पहला हो गया हमारा. दूसरा, फ्रीज द एंट्री एंड एग्जिट प्राइस. सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कब एंटर करना है कब एग्जिट करना है. अगर आपको नहीं पता है एंट्री कब कहते हैं एग्जिट कब कहते हैं, वो सब के लिए आपको सीखना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस. और इसीलिए स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग क्या क्या करते हैं कभी कभी टिप्स के भरोसे या कभी एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन एग्जिट कैसे करते हैं उनको पता ही नहीं होता. या किसी आपने किसी पर्टिकुलर ऐड देखी होगी जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि मेरा फॉरेक्स ट्रेडर बहुत अच्छा काम कर रहा है. ओके, अगर उनका फॉरेक्स ट्रेडर अच्छा काम कर रहा है लेकिन वो नहीं कर पाएंगे अगर उनको नहीं पता कि एग्जिट प्लान क्या है. क्योंकि आप देख तो सकते हैं लेकिन आपको अगर कोई सिचुएशन वर्स्ट चली गई तब आप क्या करेंगे. ठीक है, समझदारों को इशारा काफ़ी है और नहीं समझदार हैं तो लेट्स सी. थर्ड पॉइंट, ऑलवेज सेट अ स्टॉप लॉस लेवल. जो मैंने अभी आपको बताया ये एक्चुअल में सेकेंड था, मैंने फर्स्ट कर दिया. इट्स ओके, कुछ ऐसा हरा के कोई मार्क्स नहीं कटने वाले अपने. ठीक है, अब जाते हैं बुक प्रॉफिट व्हेन द टारगेट इज. देखो, सबसे पहली चीज़ बुक प्रॉफिट व्हेन टारगेट इज रीच. किसका मतलब ये है कि जब आपका टारगेट ट्रिगर हो जाता है, आपको टारगेट प्राइस पे वो स्टॉक का प्राइस है आपको निकल जाना चाहिए. अब जो लोग कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन से वो निकल जाएंगे इन कुछ लालची इससे पहले, इसीलिए मैंने वो वीडियो डाला है कि फियर एंड ग्रीड एंड फियर वीडियो करके प्रीवियस वीडियो. ग्रीड एंड फियर क्यों इतना वो, क्योंकि अब वो जिनका प्राइस ट्रिगर टारगेट प्राइस पे पहुंच जाएगा वो अब लालच करेंगे. ग्रीड, दे विल वांट दैट दैट प्राइस, दे विल फोरकास्ट दैट फ्यू और प्राइस बढ़ेगा एंड वी विल गेट सम टाइम द केस मे गॉन रिवर्स. मतलब कभी कभी बड़ी सी रेड कैंडल बन जाएगी और आपका सारा प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा. तो इसीलिए अगर टारगेट प्राइस हिट होता हैव अ सेल्फ डिसिप्लिन, गो अकॉर्डिंग टू यू एग्जिट द प्लान, एग्जिट प्राइस पे निकल जाइए. ओके, जब भी आपको एग्जिट करना है. ओके, कैसे एग्जिट करते हैं क्या करते हैं उसके ऊपर भी आने वाला है वीडियो, डोंट वरी. अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हैं तो आपको मिलते रहेंगे सब वीडियोस, टेंशन मत लीजिए. और एक दिन में आप नहीं सीख सकते कुछ. थर्ड, ओके फोर्थ, बुक प्रॉफिट वाला था थर्ड. फोर्थ, ऑलवेज क्लोज ऑल योर ओपन पोजिशंस. देखिए, अगर आपने आज कोई ट्रेड ली है तो उसे उसी दिन सेट कीजिए,
उसी दिन क्लोज कीजिए। ओके यहाँ पे क्या जाता है स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको आने मतलब कुछ मिनट के बाद बताता हूँ। कभी भी सेट ऑफ, हाँ स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ करके निकल जाइए, कभी भी रुकिए मत। ओके कैमरा इस साइड है, मैं अलग साइड देख रहा था इसलिए आपको कब से अच्छा नहीं लग रहा। ओके हमेशा आप अपना ये कोई भी जो इंट्राडे के लिए लिया है तो उसे डिलीवरी में कन्वर्ट मत कीजिए, होने दीजिए लॉस। आपको लग रहा होगा दर्शन लॉस होना तो बहुत बुरी बात है, नहीं, जब जब आप लॉस करेंगे आप सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? मेक अ ट्रेडिंग जर्नल, कैसे करते हैं वो किसी और वीडियो में बात की जाएगी, बट आप समझ गए। फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट चैलेंज द मार्केट, या कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए। अगर मार्केट क्या है, मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है तो अपवर्ड ट्रेंड में ही अपना ट्रेड लीजिए, कभी भी रिवर्स में जाके मत कीजिए, क्योंकि डोंट चैलेंज द मार्केट मैन, मार्केट इज, मार्केट विल टीच यू अदरवाइज, ठीक है, करवाइज भी डोंट डू इट। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च योर टारगेट कंपनीज थरोली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अगर आपने किसी कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके मतलब 15 से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स नहीं होने चाहिए, 15 से 20 के बीच में। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो थोड़ी और लिए लिमिट बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा स्टॉक्स नहीं, क्योंकि आप इंसान हैं, आप हर जगह नहीं कर सकते, कोई एल्गोरिदम ट्रेडिंग नहीं चालू है। ओके तो अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप अगर अपनी कंपनी चूज़ करते हैं तो एकदम फोकस के साथ चूज़ कीजिए, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। ओके टाइम द मार्केट, ओके कभी कभी आप अपने इनिशियल डेज में नहीं सीख पाएंगे, इनिशियल डेज में आप सीख पाएंगे, इनिशियल डेज में आप अमीर नहीं बन जाएंगे। टेक योर टाइम, बी रिच, आप जितना टाइम लेंगे उतना सीखेंगे, और जब वो सीखेंगे उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके इट इज समथिंग, मतलब ये वीडियो थोड़ा मोटिवेशनल हो रहा है, लेकिन आई डोंट वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट टिप्स दैट यू रियली फॉलो। ओके नेक्स्ट पॉइंट, चूज द राइट प्लेटफॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं वो राइट होना चाहिए। ओके इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर आप कहेंगे ओ यू आर सम नथिंग। आप अपना प्लेटफॉर्म राइट चूज कीजिए, और इससे हट के कि अपना जो टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम में जब एंट्री करते हैं तो वही टाइम फ्रेम में एग्जिट भी रखें। ओके ये वाले पॉइंट्स को के लिए सॉरी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स, यस रूल्स बनाइए। ये रूल्स ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को फॉलो करते हैं तो उनके रूल्स आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके खुद के कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। ओके ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इट्स ओके, आप सीख रहे हैं कुछ। ओके अब आते हैं प्रोसेस ऑफ चूजिंग द स्टॉक थ्रू ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके यहाँ पे आता है कि आप अपना स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। जैसे कि हम सबको पता है कि 4000 से ज़्यादा और हर दिन IPO आएंगे तो और बढ़ती ही जाएगा ये नंबर, लेकिन कैसे हम चूज़ करें, क्या करें? तो अगर आपने सोच लिया इंट्राडे ट्रेडर, तो आपको पता होगा कि आपका एंट्री पॉइंट कहाँ है। जब आपने एंट्री पॉइंट के बारे में सोचा है तो इसका मतलब आपने स्टॉक भी सोच के रखा है। अगर आपने स्टॉक नहीं सोच के रखा है और आपको पता है एंट्री पॉइंट है तो आप क्या कर रहे हैं आप ही जानते हैं, लेकिन स्टॉक प्रोसेस की जो फॉलो कीजिए। कभी कभी क्या होगा आप चेंज करेंगे, मेथड चेंज करना इट इज़ ओके, कि कोई कोई इंट्राडे करता है फिर बाद में स्विंग इन्वेस्टिंग पे जाता है, कोई कोई इन्वेस्टिंग करता है वहाँ से स्विंग करता है फिर ट्रेडिंग, ऐसे या कुछ भी, दैट्स ओके, बट डोंट प्रोसेस को चैलेंज मत कीजिए, फॉलो द प्रोसेस। ओके प्रोसेस ऑफ चूजिंग स्टॉक थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सबके अपने अपने टेक्निक्स है, अगर आपके पास कोई टेक्निक नहीं है तो सीखिए। अगर आपको चाहिए कि मैं बताऊं तो आपको नेक्स्ट वीडियो अगर उसमें चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। ओके एंड लास्ट पॉइंट, इंट्राडे टाइम एनालिसिस। ओके ये सबसे क्रिटिकल है और लास्ट पॉइंट है, फास्ट करते हैं अपन, कि जब आप इंट्राडे टाइम एनालिसिस, सॉरी इंट्राडे टाइम एनालिसिस, जब आपका इंट्राडे ख़त्म हो जाता है तो अपने आप को टाइम दीजिए कि एनालिसिस करने का, या कि आपने क्या किया। मेक अ ट्रेडिंग जर्नल,
उसमें आप लिखिए कि मैंने आज ये ट्रेड ली थी, इस ट्रेड में मैंने इसके वजह से ली थी। लेट इट बी कि मेरे पास प्रोसेस नहीं था, मैंने न्यूज़ में सुना, सम न्यूज़ चैनल वॉज, सम बिजनेस चैनल वॉज सेइंग दैट ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैंने खरीद लिया। अब जो भी हुआ उससे फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का अमाउंट और स्माइल टिक कीजिए, प्लस पॉइंट दीजिए, या नहीं हुआ तो माइनस पॉइंट दीजिए। दैट जो भी आपका प्रोसेस है, ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, ओके, और फिर एनालिसिस कीजिए कि आपके उस ट्रेडिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर कोई गलतियाँ हैं तो उस पर उसे सीखिए, और जो मैंने कहा था कि आप सीखेंगे, यही एक तरीका है, और ये एक तरीका है सीखने का, यही एक नहीं है, एक तरीका ये भी है सीखने का। और आप देखते रहिए यूट्यूब पे वीडियोस, और फॉलो कीजिए किसी को भी, लेकिन ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जिनको इसके बारे में एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है, ओके। डोंट फॉलो द रैंडम गाय। सब्सक्राइब द हिट सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, और मैं आपको मिलूंगा इसी वीडियो में। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, या कोई भी लिंक दिए हो देख लीजिए, और अपने आप से डिसीजन लीजिए। ओके, बाय, सी या।